नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में एक बड़ी चोरी का खुलासा किया गया। दरअसल 21 जून को फरियादी आशीष गौरव निवासी ग्राम खिलिया आलम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शादी समारोह में शामिल होने के लिए जब वे घर से बाहर गए तो घर में रखे 6,35,000 के जेवर, जिसमें सोने का हार, झुमके, मंगलसूत्र, जंजीर, 4 सोने की अंगूठी सहित 2 मोबाइल जिनकी 20,000 रुपये थी और 20,000 रुपये की नकदी चोरी हो गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एडिशनल एसपी कमल मोर के मार्गदर्शन से एसडीओपी फांडेज मोहित यादव, पंडो का थाना प्रभारी यादवन सिंह द्वारा टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर प्रभावित तंत्र द्वारा थाना प्रभारी पंडो का संपर्क रहा। दमोह जिला भिंड से 2 आरोपियों अरविंद गौरव उम्र 38 वर्ष निवासी खिलिया आलम और दूसरा आरोपी मोनू झा उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 6,00,000 रुपये के जेवर, 2 मोबाइल, 20 और 2 रुपये नकदी बरामद किए गए हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी। थाना पंडो करके खिरिया आला में परसों एक काफ़ी बड़ी नकबजनी की घटना घटित हुई। फरियादी आशीष गौरव एक शादी में गए थे अपने परिवार में थे। पीछे से उनके घर पे अज्ञात चोरों ने घुस के लगभग 6,50,000 रुपए के जेवर और कुछ नकदी चुरा लिए। ये इस वर्ष की सबसे बड़ी नकबजनी की घटना थी और काफ़ी चैलेंजिंग थी हमारे लिए। उसके तत्काल बाद थाना प्रभारी पंडोखंड ने काफ़ी मेहनत करते हुए अपने मजबूत सिस्टम को एक्टिवेट किया और उन्हें जानकारी मिली कि जो लोग दो संदिग्ध हैं जो इस घटना में शामिल हो सकते हैं वो भिंड में हैं, दबो गए ये वहाँ पे उन दोनों को अरेस्ट किया। उनका नाम अरविंद गौरव और मोनू झा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें टोटल मशरूबा जो था पूरा का पूरा 6,50,000 रुपये का एक जेवर और नकदी और दोनों मोबाइल जो चोरों द्वारा चुराए गए थे पूरा रिकवर किया गया है। नकबजनी की घटना हमेशा एक चैलेंजिंग रहती है क्योंकि किसी के घर में घुस के अगर चोरी होती है तो एक असुरक्षा का भाव लोगों में आता है। और जब वो रिकवरी होती है, इससे पहले भी बड़ौनी में शादी में एक काफ़ी बड़ी चोरी हुई थी, उसमें भी अच्छी रिकवरी हुई थी और इसमें 100% रिकवरी हुई है। तो मैं यादवेंद्र और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ और आईजी साहब के माध्यम से हम उनका प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मान कराएंगे। धन्यवाद। आईजी साहब का प्रशस्ति पत्र कैश अवार्ड से ऊपर माना जाता है पुलिस में।